इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर हमास को लेकर बड़ा बयान दिया है। वॉशिंगटन में रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास आतंकवादी समूह पर खुद को इजरायली प्रतिशोध से बचाने के लिए फिलिस्तीनी नागरिकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गाजा में मानवीय संकट और निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों से हमास को कोई लेना देना नहीं है, वे उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले जो बाइडेन ने कहा था कि हमास आतंकवादी संगठन अलकायदा से भी बदतर है। बाइडेन ने अपने एक संबोधन में कहा था कि हमें जितना अधिक इस हमले के बारे में पता चलता है वे उतना और अधिक भयावह प्रतीत होता है। 1000 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। बाइडेन ने कहा था कि हमास के मुकाबले तो अलकायदा भी कुछ ठीक लगता है, ये शैतान है। जैसा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि अमेरिका इसे लेकर गलती नहीं कर रहा, वह इजराइल के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वह उसके पास हो और वह हमलों का जवाब दे। मेरी प्राथमिकता यह भी है कि गाजा में मानवीय संकट से निपटा जाए। बाइडेन ने कहा कि उनके निर्देश पर उनकी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है और इजराइल की मदद के लिए मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे संवाद कर रही है। बाइडेन ने कहा था कि हम हमास द्वारा पकड़े गए अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल और क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ 2400 घंटे काम कर रहे हैं और हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक उन्हें घर नहीं ले आते।